नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। वापस से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर मैं बात करता हूं मंथली प्रिडिक्शंस की। लास्ट मंथ से ये सीरीज स्टार्ट की हमने, मई मंथ की आप लोगों को सीरीज दी थी, उसका भी ओवरव्यू करेंगे। इस वीडियो का सीक्वेंस क्या होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा कुछ डिटेल बताया था कि किस टाइप के बैकग्राउंड से हूँ मैं। आज उस पर और थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए, क्या कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और फिर आप लोगों को बताऊँ, फिर करूँगा पोस्टमार्टम। ये हमारा एक फेवरेट प्रोसेस है जो आप लोगों को यूजुअली सोशल मीडिया में कोई करके नहीं देता है, यानी अपनी बातों का पोस्टमार्टम जो हमने मंथ मई के लिए किया था, और फिर आप लोगों को दूंगा मैं प्रिडिक्शंस, और साथ साथ में साइकोलॉजी की भी बातें करूंगा कि क्या साइकोलॉजिकली क्या लग रहा है बाजार में, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है हर एक सेकंड आप लोगों को कुछ ना कुछ या फिर मोटिवेट करेगा या फिर कुछ आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने में मदद करेगा। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, 12th तक मेरा हिंदी मीडियम में हुआ। उसके बाद की जर्नी सबसे डिफिकल्ट थी, उसके पहले की भी थी। आज भी मुझे याद है 4th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तब मैं विवेक ज्योति नाम के स्कूल में पढ़ा करता था। और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बालाघाट करके एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, छोटी सी जगह है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर में हुआ करती है। अभी पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ करता था, तो महाराष्ट्र की बॉर्डर में थी। 4th स्टैंडर्ड में मुझे या जहाँ तक जितना मुझे रिकॉल होता है उतना शेयर करने की कोशिश करूँगा। 4th स्टैंडर्ड में विवेक ज्योति नाम के स्कूल में था, वहाँ पर 4th स्टैंडर्ड जब पास आउट करके मैं 5th स्टैंडर्ड पर गया, तो उसी साल स्कूल वालों ने कंपलसरी कर दिया था कि आप लोगों को कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, और उसकी फीस कुछ लगभग 500 रुपये थी। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो साल भर की थी या फिर मंथली थी, मोर और लेस मेरे ख्याल से आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो वो ईयरली होगी। तो पापा को थोड़ा सुन के शौक हो गया कि भाई 500 रुपये की फीस। पापा बोले विजिट करता हूँ स्कूल को। विजिट करने आए, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि भाई हम अपने बच्चे को कंप्यूटर नहीं करवाना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने कहा ये तो कंपलसरी है, तो थोड़ा ईगो आ गया होगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। पापा ने कहा कि नहीं, मैं कंप्यूटर कोर्स तो नहीं कराऊंगा। तो अल्टीमेटली पापा ने ये डिसीजन लिया कि भाई अगर आप कंप्यूटर कंपलसरी रखोगे तो मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। स्कूल से नाम कटवा दिया, और कहाँ पटका ले जाके, गवर्नमेंट स्कूल में। उसका स्कूल का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, शासकीय बहुउद्देशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर मेरा एडमिशन करवाया। तो 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स 12th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पर पढ़ा। ये बताने की ज़रूरत इसीलिए है कि मैं ये नहीं बताना ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी, देखिए लैंग्वेज तो एक तो बैरियर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूँ सोचते हैं कि लैंग्वेज की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। उसके और थोड़ा आगे की बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। 12th के बाद, 12th तक तो मैंने आप लोगों को पिछले बार बताया था कि मैं आई वॉज 47th इंडियन रैंकर, गोल्ड मेडलिस्ट था। वो इवेंचुअली पता नहीं क्या हो गया था, क्या फितूर सवार हुआ 12th स्टैंडर्ड में, दबा के पढ़ाई की, सोच डेवलप करी कि नहीं कुछ कर गुजरना है। 12th में ऑल इंडिया मेरिट रैंक 47th, गोल्ड मेडलिस्ट। तो थोड़ा सा आस पड़ोस वालों ने, कुछ करीबियों ने बोला पापा को कि नहीं भाई इसको आगे हायर एजुकेशन करवाओ। मैं स्टेट की तो बात अलग थी, नेशनल लेवल में 47th रैंक, तो मुझे हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया गया। अब मैं 12th तक तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था। आज भी मुझे याद है 99 की वो बैच थी फाउंडेशन की, हमारे टाइम पर CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फिर फाइनल हुआ करता था। उसके बाद थोड़ी प्रोसेस अभी P1, P2 ऐसा हो गया अभी नाम। मुझे आज भी याद है 99 की बैच में मैं जोशी क्लासेस में जाया करता था, वहाँ पर मुझे किसी बच्चे ने इंग्लिश में पूछ लिया, कैन आई बोरो योर पेन। भाई साहब हालत ख़राब, 4 दिन तक स्कूल ही नहीं गया, 4 दिन तक क्लास ही नहीं गया कि अगली बार कोई और ना मांग ले। तो उस सराउंडिंग से बिलोंग करता था। अब मैं आपको लेके आता हूँ कि मैंने ये स्टोरी क्यों बताई है। 12th के बाद CA में हाथ आजमाया, CA किया, इंटरमीडिएट किया, फाइनल तक पहुँचा। उसके बाद आज मैं जब देखता हूँ आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और आज की अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट को, उस समय के उस ज़माने से 2004 एंड से मैं इस बाज़ार में आ गया, यानी 99 से 2004 तक मैंने अपनी एजुकेशन वगैरह की। 2005 से 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट मुझे 17-18 साल हो चुके हैं इस बाज़ार में।
आज जो आप लोग, अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी चाहिए, सिर्फ गोल्ड लिखने की जरूरत है, सिर्फ निफ्टी लिखने की जरूरत है, स्टॉक मार्केट लिखने की जरूरत है, 1,00,000 कंटेंट से ज़्यादा मिल जाएगा। उस समय हमें अगर एक इन्फॉर्मेशन पानी होती थी, एक कंटेंट लिखना होता था, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी। फिर भी उस उन चीज़ों को बैरियर नहीं माना कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे काम नहीं कर सकता, किया। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं, यकीन मानो या ना मानो, एकदम लल्लू टाइप का बच्चा था मैं 12th तक। उसके बाद जब हॉस्टल लाइफ में आया, हॉस्टल लाइफ ने सिखाया, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आप भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, बाजार में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है, अपना क्लास भी बदला जा सकता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब मैं इस वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे बात करूँ। अब आते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट सेशन पे, जहाँ पर हम ये समझते हैं कंट्रोल किसे करना चाहिए और कंट्रोल किसे नहीं करना चाहिए, यानी कि कंट्रोल कंट्रोलेबल थिंग्स, नॉट अनकंट्रोलेबल थिंग्स। दोस्तों, अक्सर हम उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है, जो हमारे बस में है उसको वैल्यू नहीं देते हैं। मार्केट में भी ऐसा ही होता है, हम अपना ज़्यादातर समय मार्केट को प्रिडिक्ट करने में लगाते हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं है, जबकि जो आपके कंट्रोल में है आप उस पर ध्यान नहीं देते। मार्केट को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और इसमें बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी। ज़्यादातर टाइम हम लोग सिर्फ मार्केट की बात करते हैं, यानी कि सारा फोकस मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में रहता है। कई बार सही ट्रेंड का पता लगने पर भी हम लोग लॉस कर जाते हैं। इसकी वजह वाकई में कुछ और होगी। अगर ट्रेंड का पता है आप लोगों को, फिर भी ट्रेड रॉन्ग हो रहा है, तो इसकी वजह पक्के से कोई और हो सकती है। तो चलिए आज हम उन वजह को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब हम करते हैं कमोडिटीज़ का लास्ट मंथ का पोस्टमार्टम, कि हमने लास्ट मंथ क्या बात की थी, क्या ट्रेंड डिस्कस किए थे, क्या सपोर्ट लिए थे, क्या रेजिस्टेंस लिए थे और क्या हुआ। और इस पोस्टमार्टम के बाद हम बात करेंगे जून महीने की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं जून महीने के लिए, और क्या है हमारे मैजिकल फिगर, और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा ट्रेंड क्या है। चलिए बात करते हैं बाजार की। आप इन्हें लास्ट मंथ के मे मंथ में हमने क्या डिस्कशन किया था, मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया था पिछले महीना। आज तो खैर 1 तारीख है, 1 जून 2022, 8:17 हो रहे हैं, लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ, मार्केट अभी चालू है, बुधवार का दिन है। तो 14 तारीख के आसपास मैंने वीडियो अपलोड की थी, और उस समय तक हाई लो बहुत चीज़ों के लग चुके थे, जैसे क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, आज भी मुझे याद है, आप चाहें तो वीडियो को वापस से जाके सुन सकते हैं, पिछले महीने की जो वीडियो अपलोड की थी मई मंथ के लिए, 8,050 रुपये का रेट चल रहा था उस समय, और 7,659 का लो पोस्ट कर चुका था उस महीने तक, 14 तारीख तक। जिस दिन से मैंने वो वीडियो अपलोड की, उस दिन के बाद 8,050 के नीचे ट्रेड नहीं हुआ। मैजिकल फिगर बताया था आप लोगों को 7,766 का, और रेजिस्टेंस लेवल बताया था आप लोगों को 8,710 का। बीच में और भी रेजिस्टेंस थे, 8,250 का था, 8,400 का था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल कट जाए तो वो उसके लिए बन जाते हैं सपोर्ट। तो 8,710 तक की एक्सपेक्टेशन आप लोगों को बताई थी, हालांकि उससे ऊपर भी गया, 9,300 तक भी गया। उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर 8,710 कटता है तो 9,100-9,200 तक जा सकता है बाजार। 9,313 का हाई पोस्ट किया। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को 8,000 से 9,300 तक का रेंज बता दिया था, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि उस वीडियो में मैंने क्लियर कट कहा था कि सेल करके काम नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बाजार तेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का, जिस किसी ने भी वीडियोस, इन वीडियोस के लेवल्स को चार्ट्स में कैसे प्लॉट करना है, कन्विक्शन लेवल को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और देखना होगा लाइव ट्रेडिंग विद अमित जैन, उसमें मैं बताता हूँ कन्विक्शन लेवल को कैसे बढ़ाना है। 7,766 का आप लोगों को मैंने 7,766 का मैजिकल फिगर दिया था। मैजिकल फिगर ऊपर था, इसका मतलब स्वाभाविक रूप से बाय करके काम करना था। किसी ने भी किसी भी स्तर में बाय करके काम किया होगा तो अभी भी स्क्रीन पे भाव 8:19 पे 9,007 रुपये का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लावमाल हुआ होगा। नेचुरल गैस में क्या बातचीत की थी,
बेस्ट केस में आप लोग उस समय मेरे ख्याल से भाव 680 के आसपास थे, सिक्स फोर्टी के आसपास थे। मैंने आप लोगों को 687 का रेजिस्टेंस लेवल बताया था और मैजिकल फिगर दिया था 506 का, सपोर्ट लेवल बताया था 540 का और 550 के आसपास का। आज हम 660 रुपये पर खड़े हुए हैं, आज का अभी का रेट है। तो ऊपर में 7 3350 का हाई उसके पहले पोस्ट कर चुका था 14 तारीख के पहले, उसके बाद इस हाई को ब्रेक नहीं किया। 50620 का मैजिकल फिगर बताया था और 506 का मैजिकल फिगर बताया था और 50620 का इसने लो पोस्ट किया जून वायदे का, यानी हो सकता है पिछले बार मैंने मई वायदे को डिस्कस किया हो, लेकिन अभी जो मैं हाई लो बता रहा हूँ आप लोगों को वो जून वायदे का है। तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में भी आप लोगों को कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं गई होगी क्योंकि मैजिकल फिगर ऊपर था। किसी ने भी 600 अच्छा मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस उस समय मेरे ख्याल से 610 के आसपास का रेट था, यस क्योंकि 628 का रेजिस्टेंस दिया था, 661 का रेजिस्टेंस दिया था, 687 का रेजिस्टेंस दिया था। और आज का लो देख लेते हैं ना, आज का लो देखिएगा एक बार, आज का लो है 634.20, यानी कि 628 रुपये का जो रेजिस्टेंस था वो बन चुका था सपोर्ट। तो आज तक वो लेवल्स काम में आ रहे हैं आप लोगों के। तो ओवरऑल बाजार को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में तेज बताया था। बात एक बार पोस्टमार्टम करते हैं किसका, गोल्ड का। गोल्ड का आप लोगों को 49,530 का सपोर्ट लेवल बताया था, उस मे मंथ का लो था 49,750 का, यानी यहाँ पर भी आप लोगों को पता था गिरता मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल बताया था 51,620 और 52,350। मैजिकल फिगर बताया था 51,500 का, हाई पोस्ट किया 51,837 में। और बाजार को क्या बताया था, साइडवेज, यानी कि ना ऊपर जा टिकना चाहिए बाजार ने, ना नीचे टिकना चाहिए बाजार ने। बाजार ने दोनों बाजू की मूवमेंट को देखकर आज भी 50,720 पे खड़ा है, इस टाइम का रेट है 8:21 का। तो और मोटा माटी अपनी एक्सपेक्टेशन थी 51,500 का मैजिकल फिगर दिया था जो कि वो टच नहीं हुआ, 51,200 के आसपास का ट्रेड हुआ कल तक, यानी 31 मई तक, लेकिन 51,500 को टेस्ट नहीं किया उसने। नीचे के बाजू में 49,750 का लो पोस्ट किया और आज का अगर लो देखा जाए तो आज के लो में भी नज़र मारते हैं तो 50,412 का लो है और मैंने आप लोगों को 50,575 और 50,222 का सपोर्ट लेवल दिया था, यानी कि मोटा माटी पोजिशनल ट्रेड लेने पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर कोई तकलीफ जा रही होगी। स्पेशली कब, जब आप लोगों को मालूम था बाजार ऊपर से दो नीचे से लो, नीचे से लो ऊपर से दो वाला है, पर बाजार को साइडवेज कहा था। सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर का हाई पोस्ट हुआ है 64,211 का, मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल दिया था 64,340 का, सपोर्ट लेवल दिया था 59,990 का और 57,810 का, लो पोस्ट किया है 58,981 का। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी चेंज हुआ है, जो मई महीने में हमारे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए थे, तो जून वायदे का 58,981 का लो है। तो मोटा माटी और 65,200 का मैजिकल फिगर बताया था। ट्रेंड क्या बताया था डाउन, पिछले वीडियो में जाके सुन लीजिएगा, यानी कि 65,200 का तेज नहीं होता था तब तक बेच के काम करना था। अगर आपने बेच के काम किया होगा तो हुआ होगा लाओ माल। नीचे के बाजू में सपोर्ट लेवल में बाजार को लिया जा सकता था, वो रेंज भी पता थी आपको, तो 60,000 के नीचे भी कहीं भी माल लिया होगा। तो अभी का करंट मार्केट प्राइस 61,300 के लगभग चल रहा है। तो बाजार में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा होगा पिछले महीने के, तो आप लोगों ने बाय करके कहीं फंसे नहीं होंगे। कॉपर में भी नज़र मारिए, नहीं हुआ होगा लाओ माल तो बात रही, अगर आपने भरोसा किया होगा ट्रेड डाला होगा तो। 740.50 का सपोर्ट लेवल बताया था, 738.10 का लो पोस्ट किया है, 7,791 का रेजिस्टेंस लेवल बताया था जो कि हमारा था मैजिकल फिगर, बाजार को बताया था डाउन। मई महीने में 738.10 का कुछ लास्ट वीक में ही, मई मंथ के लास्ट वीक में इसने लो पोस्ट किया है लास्ट वीक में, और 791 का हाई है, यानी कि आपको गिरता हुआ मार्केट कहां तक गिर सकता है, बढ़ता हुआ मार्केट कहां तक बढ़ सकता है, पूरे महीने के लिए आप लोगों को पता था, बाजार को बताया था डाउन। तो ओवरऑल अगर वीडियो को समराइज किया जाए लास्ट मंथ के, तो मुझे लगता है क्रूड में दबा के पैसा बना होगा, नेचुरल गैस में कहीं ट्रैप नहीं हुए होंगे, गोल्ड में नीचे से लो ऊपर से दो वाली रणनीति बनाई होगी तो भी भरपूर माल मिला होगा, सिल्वर में भी लाओ माल हुआ होगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन बताया था और बाजार करीब करीब 3,000 से 4,000 रुपये टूटे भी थे। कॉपर में आप लोगों को नीचे से लिया होगा तो भी लाओ माल, ऊपर बेचा होगा तो भी लाओ माल। चलिए बात करते हैं जून महीने की एक्सपेक्टेशन की। तो मुझे ऐसा लगता है इंटेलिसिस की मेहनत
को आप लोग यूज कर रहे हैं और दबा के पैसा बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जून महीने की एक्सपेक्टेशन। सपोर्ट बताऊंगा, रेजिस्टेंस बताऊंगा, ट्रेंड बताऊंगा और बाजार में क्या किया जाना चाहिए वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा ड्रामेटिक रहने वाला है जून मंथ, लेकिन मोर और लेस बाजार ना ऊपर का दिखता है ना नीचे का दिखता है। पहला सपोर्ट होगा क्रूड ऑयल, आज का रेट बताता हूँ, एक तारीख का 9030 का भाव चल रहा है, हाई पोस्ट किया है 9135 का, लो पोस्ट किया है 8896 का। पहला सपोर्ट 8560, दूसरा सपोर्ट 8460, तीसरा सपोर्ट 8130, इसके नीचे का सपोर्ट होगा मैजिकल लेवल। पहला रेजिस्टेंस 9315, ये 9315 मे मंथ का टॉप है, तो यहाँ पर एक बार हर्डल महसूस कर सकता है बाजार, लेकिन इसको काट के 9696 तक भी जा सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस 9696, तीसरा रेजिस्टेंस 10420। तो अगर सपोर्ट की तरफ नज़र डाली जाए तो 8500, 8600 से 8400 तक बाइंग रेंज बनती है मैजिकल फिगर के स्टॉप लॉस से, और बढ़ने के लिए 9300, 9696, 9696 और 10420 तक का भी पोटेंशियल है। ओवरऑल बाजार को अगर समराइज किया जाए क्रूड के, तो नीचे के बाजू में मैजिकल फिगर का मंदा नहीं लगता और ऊपर के बाजू में 10500 तक का भी पोटेंशियल है। मैजिकल फिगर के साथ और भी बातें डिस्कस करेंगे, आखिरी तक बना के रखूंगा वीडियो को, जो लोग सीरियसली समझना चाहते हैं साइकोलॉजी को और मार्केट को। बात करते हैं नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस का अभी का भाव चल रहा है 660 रुपये, इसका हाई पोस्ट हुआ है 665.90 का, लो पोस्ट हुआ है 634.20 का। पहला सपोर्ट 641, दूसरा सपोर्ट 586, तीसरा सपोर्ट 562, पहला रेजिस्टेंस 690, 729 और 755। हालांकि 690 को अगर तोड़ता है बाजार तो ही कोई 729, 755 तक के रेट देखने को मिलेंगे। अपेक्षा थोड़ी कम है, लेकिन अपेक्षा हमेशा दुख का कारण भी होती है, इसे भी समझना है। 690 कटा तो समझ जाइए ये और बढ़ने की चांसेस बना रहा है। जब तक 790 नहीं कटता तब तक ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 690। नीचे के बाजू में 562, 555 का मंदा कम लगता है। तो ओवरऑल अभी नेचुरल गैस आपने देखा होगा एक एक दिन में 60-70 रुपये भी चल जाती है, महीने के एक दो दिन ऐसे होते हैं। तो अगर ब्रॉड रेंज में बात किया जाए तो 555, 562 नीचे के बाजू में, 690 ऊपर के बाजू में, ये 150 रुपये की रेंज दिखती है। मैजिकल फिगर को सुन के जाइएगा, मैजिकल फिगर ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। गोल्ड अभी चल रहा है 50,715, इसका हाई पोस्ट हुआ है 50,836 का, लो पोस्ट हुआ है 50,415 का। 1 जून 2022 की रेट दे रहा हूँ, दो चार दिन बाद वीडियो अगर अपलोड होता है तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने कुछ और बोला है और भाव कुछ और है। बहुत सारे लोग स्किप कर करके देखते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। पहला सपोर्ट 49,950, दूसरा सपोर्ट 49,310, तीसरा सपोर्ट 48,030, वर्स्ट केस में 48,000 तक गिर सकता है। पहला रेजिस्टेंस 51,230, 51,870 और 53,150, बेस्ट केस में यहां तक बढ़ सकता है। ओवरऑल 48,000 का मंदा नहीं लगता, 53,000 का तेज नहीं लगता, 53,150 टू बी वेरी प्रिसाइज। बात करेंगे सिल्वर की, सिल्वर अभी चल रही है 61,330, इसका हाई पोस्ट हुआ है 61,684 का, लो पोस्ट हुआ है 60,502 का। 1 जून 2022 का रेट दे रहा हूँ, पहला सपोर्ट 58,020, दूसरा सपोर्ट 55,350, तीसरा सपोर्ट 50,020, 50,020। जी हाँ, तेजी करने के पहले मैजिकल फिगर को जरूर सुनिएगा, वरना अगर यहाँ तक बाजार गिर गए तो अच्छे अच्छों की लंका लग जाएगी। पहला रेजिस्टेंस 66,025, दूसरा रेजिस्टेंस 71,365, तीसरा रेजिस्टेंस 74,030। ये सब कब हो सकता है? जब मैजिकल फिगर कट जाए। बात करते हैं कॉपर की, कॉपर अभी चल रही है 778, इसका हाई पोस्ट हुआ है 780.50 का, लो पोस्ट हुआ है 770.05 का। टाइम 8:29, 1/6/2022, 753.50 का पहला सपोर्ट, 735.50 का दूसरा सपोर्ट, 703.50 का तीसरा सपोर्ट। पहला रेजिस्टेंस 803.50, 835.60 और 853.70, मैक्सिमम साइड में 853 जो कि पॉसिबल कम है,
वो कब पॉसिबल है? जब मैजिकल फिगर कट के ऊपर रुके, टिके, संभल जाए और ऊपर की रैली चालू कर दे। बात करते हैं मैजिकल लेवल्स की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। मैजिकल फिगर ही आप लोगों को बचाते हैं। बाजार का ट्रेंड बताऊंगा, मैजिकल फिगर बताऊंगा, क्या किया जा सकता है, किस रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, किस रेंज में प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, किस रेंज में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सब की बात करेंगे। क्रूड ऑयल का मैजिकल फिगर है 8070 काटता है तो एक करेक्शन ट्रिगर हो सकता है बड़ा वाला, जो कि 6700 तक का हो सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब 8070 का लेवल कटेगा, और जब तक 8070 का लेवल नहीं कटेगा तब तक 9315, 9696 और 10420 तक का पोटेंशियल बना हुआ है। बेच के काम नहीं, अवॉइड करना है। बाकी अगर आप लोगों को लगे कि इन रेजिस्टेंस से बेचना है तो आप बिल्कुल बेच के काम कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल पे कवर कर सकते हैं। बाजार पूरे महीने चलने वाला है, ऊपर नीचे दोनों साइड मूवमेंट देगा। जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे आपको कन्विक्शन लगता है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। मेरे तरफ से बाजार तेज है, लोअर लेवल में बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए 8400 से 8600 के बीच में। नेचुरल गैस का मैजिकल फिगर है 555 का मैजिकल फिगर 555 को काटता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनेगी। बाजार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में मैजिकल फिगर के हिसाब से तेज है। मंथली प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, डेली नहीं। डेली प्रिडिक्शन जाननी है तो डेली वीडियोस देखनी पड़ेगी, जब मैं लाइव आता हूँ लाइव डेली की डेली अपडेट्स करता हूँ। इक्विटी की भी वीडियो देखी, इंडेक्स की भी वीडियो देखी, बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी। 555 का मैजिकल फिगर, बाजार तेज, और ये बात कर रहा हूँ मैं जून वायदे की। गोल्ड का मैजिकल फिगर 51250, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है सिचुएशन। बाजार को अभी भी मैं डाउन कहना चाहूँगा। 51250 का मैजिकल फिगर है, लेकिन अगर बढ़ता है तो 53150 तक आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग या फिर एक फॉल्स मूवमेंट या फिर एक अननेसेसरी पुलबैक हो सकता है। इसकी 5 वजह मैंने बताई हुई है बाजार टूटने की, और एक वजह बताई हुई है बाजार बढ़ने की। आज से एक हफ्ते पहले के वीडियोस देखिएगा, यानी पिछले मे मंथ के लास्ट वीक के वीडियोस देखिएगा जिसमें मैंने रीजंस बताए हैं। तो 51250 का मैजिकल फिगर, बाजार डाउन, तो यहाँ पर खरीद के अगर काम करना ही है तो 48000 तक खरीदना है, और बेच के काम करना है तो 53150 तक बेचना है। बाजार डाउन है मेरे हिसाब से, तो ऊपर के लेवल में अगर मिलता है 51500 से 53000 की रेंज में तो वहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। जब 51500 से 53000 की रेंज में टहल के वापस 51250 का मैजिकल फिगर तोड़ता है तो एक बड़ा फास्ट करेक्शन देखने को मिल सकता है। सिल्वर का मैजिकल फिगर है 63500, बाजार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में बेरिश है। 63500 का मैजिकल फिगर, 63500 तोड़ता है तो 65268,000 69000 और जो रेजिस्टेंस लेवल दिए हैं 66025 यहाँ तक का पोटेंशियल बना सकते हैं, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन 63500 के बाद आएगी। आज की डेट में ट्रेंड डाउन है, लेकिन ट्रेंड डाउन है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड डाउन ही रहेगा पूरा महीना। 63500 मैजिकल फिगर देने की वजह यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये ट्रेंड डाउन से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो 63500 के ऊपर चलता है, रुकता है, टिकता है, टहलता है तो ये हो सकता है वापस से अपर साइड का साइडवेज बाजार बन जाए, बुलिश साइड का साइडवेज बाजार। बाजार आज की डेट में, आज की कंडीशन के हिसाब से, आज के सिनेरियो, आज के टेक्निकल सेटअप के हिसाब से डाउन है। कॉपर का मैजिकल फिगर 786 को काटता है तो जो जो रेजिस्टेंस दिए वहाँ वहाँ तक पुल बैक दे सकता है। जब तक 786 नहीं काट रहा है तब तक लोअर साइड में पॉसिबिलिटीज 75350, 73550, 70350 तक की बनी हुई है। ऊपर के बाजू में 786 अगर कट भी गया तो आप यहाँ पर देखिएगा मैजिकल फिगर और रेजिस्टेंस के बीच में बहुत छोटे छोटे छोटा दायरा है, और मैजिकल फिगर के और पहले सपोर्ट के बीच में बड़ा दायरा है, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और बड़ी वोलेटिलिटी निकालनी है तो पहला सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, तीसरा रेजिस्टेंस को प्लस माइनस कर लीजिए, उतने प्राइस मूवमेंट की पॉसिबिलिटी इस पूरे महीने में बनी हुई है ये हमें बताता है। तो अब आप लोगों के पास मैजिकल फिगर है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, बाजार में कहाँ क्या किया जा सकता है ये पता है, मैजिक ट्रेंड है, तो मुझे लगता है जून महीने में आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वीडियोज़ आप लोगों की बहुत मदद करेंगे, और इसी तरह की डेली वीडियो अपडेट्स पाना चाहते हो तो इंटेलिसिस को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करो।
तो अब आप लोगों के सामने एक पेटेंट अपना कॉपीराइट वाला डायलॉग, कॉपीराइट वाला नहीं, एक पेटेंट डायलॉग जो आप लोग रोज़ वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ इस वीडियोस को जरूर शेयर करना है जो कहते हैं इस मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता या फिर कोई ये टर्न अराउंड पॉइंट नहीं बता सकता कि ये पॉइंट अगर कट गया तो बाजार ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया के लिंक है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। पब्लिक टेलीग्राम चैनल कैसे डाउनलोड करना है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन व्हाट्सएप डाउनलोड किया उसी तरह से टेलीग्राम डाउनलोड करिए। जख्मी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का अस्पताल कोष्टक में लिखा, पहले सर्च करना है इंटेलिसेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग और ज्वाइन का बटन दबाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को। ऊपर आई बटन में पास वीडियोस के लिंक हैं, उन्हें भी देखिए ताकि मार्केट की और इंटेलिजेंस की साइकोलॉजी समझ में आए। जिस दिन आपने इन दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट ले आया उस दिन मुझे लगता है आप जबरदस्त वाले योद्धा बन के बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।